प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी आ सकता है, क्योंकि नया बोल नहीं सकते और पुराना दिख नहीं रहा है। अब कंडीशन नया जैसा ही है, बट नया तो नया होता है। ऑल राइट गाइस, हमने अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करके मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जब भी मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करने के बाद, तो आप एक अलग ही वेबसाइट का नाम बता देते हो जो मुझे खुद नहीं पता होता है। ऐसे में से ही एक कमेंट था जहाँ पे बोला जा रहा था कि VLE बाजार से आप शॉपिंग करो। ये तो नाम भी मैं पहली बार सुन रहा था, फिर भी मैं गया वेबसाइट पे चेक करना शुरू किया, तो यहाँ पे बहुत कम प्राइस में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अगर लेट सपोज 2700 या 3000 का है, वो आपको VLE बाजार पे 1100 से 1200 में देखने को मिलते हैं। एक टाइम के लिए तो मैं शॉक हो गया, ये नया है या पुराना प्रोडक्ट है, क्योंकि पुराना होगा तभी इतना सस्ता हो सकता है। लेकिन जब मैं VLE बाजार के वेबसाइट पे गया और यहाँ पे चेक किया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे सभी प्रोडक्ट में जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ उसमें न्यू लगा था। यार इतना सस्ता, ये तो लॉटरी लग जाएगी यार। तो चलो वेबसाइट पे चलते हैं एंड ऑर्डर करना शुरू करते हैं, और आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक हेडफोन जो इन्फिनिटी वाई JBL की तरफ से आता है, और इसका जो प्राइस है गाइस ये 1100 रुपये का हेडफोन है। बात किया था मैंने, बाई कर लिया। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया गेमिंग ईयरफोन, इसका प्राइस 419 रुपया है। और गेमिंग ईयरफोन के बारे में तो आपको पता ही होगा, माइक रहता है, उसके बाद काफ़ी बड़ा सा उसका ड्राइवर रहता है, तो ये मैंने बाई कर लिया। इसके बाद गाइस मैं बाई किया एक TWS, और ये ऐसा वैसा TWS नहीं है, ये है प्रीमियम सेगमेंट वाला TWS, जाबरा इलीट 2। इसका प्राइस 1799 है, और ये अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट चेक करोगे ना, तो आपको अराउंड 2500 या 2600 में दिखेगा, तो मैंने इसे बाई कर लिया। इसके बाद गाइस यहाँ पे एक सस्ता वाला भी सामान मैंने ऑर्डर करके देखा ये किस तरह से हमारे पास आता है। तो ये 99 रुपये का एक सेल्फी लाइट है, और अच्छा खासा सेल्फी आ जाता है, तो देखेंगे कितना अच्छा आता है सेल्फी, तो ये मैंने बाई कर लिया। और इसके बाद गाइस मैं बाई किया एक 13.5 इंच लैपटॉप के लिए, आपको पता है ये साइज कौन बनाता है, एप्पल, गिजगा की तरफ से आता है। 279 रुपीज का ये एक स्लीव्स है जिसे मैंने बाई कर लिया। और लास्ट में जाते जाते एक साउंड बार दिख जाता है, तो मैं इसे ही बाई कर लेता हूँ। 899 इसका प्राइस है, और ये FND आपको ब्रांड पता होगा, इसका ये साउंड बार है, तो मैंने इसे बाई कर लिया, काफ़ी अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रहा था। और ये जितना ही प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका अगर डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो न्यू आपको देखने को मिलेगा, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यू आ जाए, तो क्या बात ही है, मजे ही मजे हैं, लॉटरी लग जाएंगे। और गाइस एक क्वेश्चन मुझे आपसे है, क्या आपने कभी भी VLE बाजार से शॉपिंग किया है, और किया है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पढ़कर कमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे 6 प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है, अब इंतजार करते हैं जैसे प्रोडक्ट हमारे पास आता है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके ऑल राइट गाइस, 4 दिन गुजरने के बाद हमारे पास सही सलामत तो डब्बा आ गया है, बट एक ही बॉक्स में 6 प्रोडक्ट है। अब देखते हैं किस तरह से सारा पैकिंग वगैरह किया गया है। मेरा स्पेशल चाकू प्लीज। ये जो छोटा छोटा यहाँ पे कट लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि डब्बा हमें फटा हुआ भेजा गया है, ये जब ट्रक वगैरह में लोड होता है तो उस समय ये कट गया होगा। ओह माय गॉड, VLE बाजार से हमने शॉपिंग किया है, और बॉक्स है फ्लिपकार्ट का, जिसका डर था वही हुआ, सारा प्रोडक्ट यहाँ पे रिफर्बिश्ड कंडीशन में ही हमारे पास है। ओके तो ये है हेडफोन, ये है हमारा TWS, और ये है हमारा साउंड बार, और ये है हमारा गेमिंग ईयरफोन, और ये है लैपटॉप बैग। अब गाइस जो हमने एक छोटा वाला रिंग लाइट ऑर्डर किया था सेल्फी खींचने के लिए, बहुत अरमान के साथ उसे मैंने ऑर्डर किया था, नहीं आया है, ओ चूना लगा दिया। तो गाइस ये 5 प्रोडक्ट, अभी सभी को साइड में करते हैं और एक एक करके सभी का कंडीशन, क्वालिटी और कैसा है सब आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडफोन से। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो इन्फिनिटी वाई JBL का ऑर्डर किया था, ये तो साक्षात हमारे पास JBL का ही आ गया है, क्या बात है, दिखा देता हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए हमने ऑर्डर क्या किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इन्फिनिटी का ऑर्डर किया था और हमारे पास JBL का आया है। अब एक चीज तो पता चल चुका है कि सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रिफर्बिश्ड है। चलो इस पॉइंट को भी साइड करते हैं, बात करते हैं मतलब क्वालिटी कैसा है। तो ये रखा गया है हमारा ब्लू कलर का JBL का हेडफोन, जैसा देख सकते हो, और क्या क्या है देख लेते एक बार। टाइप A2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, और इसके बाद यहाँ पे एक यूजर मैनुअल है जैसा आपको नॉर्मली हेडफोन में देखने को मिलता है। तो ये सभी को हम साइड में करते हैं एंड फोकस करते हैं
हेडफोन पे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके कंडीशन का। तो यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हो, रिफर्बिश्ड के हिसाब से तो कंडीशन खराब नहीं है और नए के हिसाब से तो बहुत खराब है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको पता ही है, रिफर्बिश्ड में ऐसा कंडीशन आना भी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको कंडीशन देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रैच वगैरह देखे तो कहीं पे स्क्रैच तो ज्यादा नहीं है, डेंट तो बिल्कुल नहीं है, स्क्रैच माइनर सा आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद ये सब प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ पे एडजस्ट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसका कुशन देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, थोड़ा गंदा है जरूर बट फटा हुआ कहीं से नहीं है। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो पिन वगैरह है ये सब क्लीन तो है, माइक्रोफोन भी यहाँ पे क्लीन है। अब गाइस इसका जो बटन है यहाँ पे जो माइनस का बटन है ये सही से दब नहीं रहा है, बाकी बात यहाँ पे सारा बटन प्रॉपर काम कर रहा है। अब ये हेडफोन है तो गाना सुनकर देख ही लेते हैं और फिट कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। या फिट तो काफी अच्छे तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके तो पहले ऑन किया, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, शायद इसका बैटरी डाउन हो गया, इसे चार्ज में लगाकर देखते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर क्या है, इसका पावर ऑन ऑफ का जो बटन है ये खराब है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसे आप चार्ज में लगाकर निकालोगे तो ये ऑन हो जाता है, फिर आप गाने का आनंद ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ और साउंड जो है गाइस ऑल राइट। तो गाइस इसका जो साउंड है JBL का साउंड तो आपको पता ही है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। तो यहाँ बेस वगैरह भी अच्छा है और जो मिड और हाई है ये भी सही है। और ये जिस प्राइस पे मेरे पास आया है 1100 में, उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन 1500 से 2000 में अब इस टाइम में हेडफोन नया बाई करना इस तरह का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके ऐसे मैंने आपको कंडीशन बता दिया VLE बाजार से कैसा हमारे पास आया है, सच मैंने आपको बता दिया। All right guys, this holy festival, I want to give you something amazing. जैसा आप में से बहुत लोगों को पता है कि इन्वेस्टिंग का पावर क्या है, भले आप 1000 पे इन्वेस्ट कर रहे हो या 10000 पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इस 2023 में अगर उसका कुछ पार्ट भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आने वाले फ्यूचर में आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Binance, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए 1000 या 10000 रुपए की जरूरत नहीं है, $1 ऑन ऑटो इन्वेस्ट ऑन Binance, और Binance का रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके अपना पैसा सेफ और सिक्योर कर सकते हो। साउंड्स अमेजिंग राइट। अब जो आपका $1 का क्रिप्टो ऑटो इन्वेस्ट है वो आने वाले सालों में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप $1 के बिटकॉइन एवरी डे फ्रॉम 2016 अप अंटिल नाउ अकॉर्डिंग टू DCA projection, you would have a significant return of 658.51%, which is 19,000 just in 7 years. Wow. तो देरी किस बात की है? Description में link है, वहाँ जाकर Binance पे अपना account create करो और register करो। और इतना ही नहीं, आपके लिए giveaway भी है, Holy 5 code use करके 15 मार्च Binance पे trade करके split $2,000 equally। और guys आप इस field में नए नए हो और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि NFT क्या है, cryptocurrency क्या है, blockchain क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भी idea नहीं है, तो Binance का एकेडमी बूटकैंप में जाकर आप वहां पे सारा ट्यूटोरियल देख सकते हो और फिर जाकर इन्वेस्ट करो, काफी तगड़ा वहां पे सारा वीडियो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पे अप टू 3300 USD जीतने का मौका भी पा सकते हो। तो वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां जाकर आप जरूर चेक करें। अब गाइस जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है ये है Jabra का Elite 2, और ये जो TWS है ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है। और यहाँ बॉक्स वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से केस रखा हुआ है और ये रहा इसका बड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया है। और चलिए सबको साइड में करते हैं। यहाँ पे एक पुस्तक है जिसे आपको पढ़ना है अच्छे से, अगर आपको नहीं आता ऑपरेट करने तो, ऐसे मैं आपको साची बताने ही वाला हूँ, इसी में छुपा था। टाइप सी चार्जिंग केबल दिया गया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसका जो ईयर टिप्स है ये अभी तक निकला भी नहीं है इसमें से, रिफर्बिश तो जरूर है बट ये सब यूज नहीं किया गया है। इस सबको साइड में करते हैं एंड फोकस करते हैं अपने TWS पे। अब गाइस यहाँ पे जो TWS का केस है यहाँ पे मुझे माइनर सा स्क्रैच देखने को मिल रहा है, बैक साइड में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच है, डेंट कहीं पे भी नहीं है, और जो हिंज का क्वालिटी है या ये अभी पूरी तरह से अच्छा है। अब गाइस यहाँ पे जो बड्स है ये कुछ इस तरह का बड्स है, जैसा आप देख सकते हो बड्स पे कोई स्क्रैच और डेंट वगैरह नहीं है, और इसमें कोई ईयर वैक्स वगैरह है क्या, कोई यूज किया होगा तो पता चल जाएगा, क्लीन है गाइस। फिट देख लेते हैं, फिट तो काफी अच्छी तरीके से हो गया है। ओके एक चीज मैं अभी नोटिस किया हूँ, यहाँ पे आपको टच करने के लिए नहीं है, यहाँ बटन दिया गया है, आपको दिखेगा भी नहीं लेकिन जब आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ फील होगा कि यहाँ पे एक बटन है। ओके दोनों में आपको देखने मिलता है, प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस कॉल रिसीव रिजेक्ट वगैरह आप कर सकते हो। अब गाइस सब चीज को साइड में करते हैं, जिसके लिए हम ये सब बाई करते हैं ना, साउंड कैसा है ये सुनते हैं। ओके तो गाइस यहाँ फाइनली मैंने अपने स्मार्टफोन से TWS को कनेक्ट कर लिया है, अब सॉन्ग प्ले करते हैं। एंड यहाँ पे आप एक्चुअल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ईयरफोन आप भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सॉन्ग प्ले करूँगा ये इसी का होने वाला है, मतलब इसी से आवाज़ आएगा। ओके तो आपको क्लियर आइडिया भी लग जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे जो साउंड है इसका लिटरली बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा इसका साउंड होगा। बेस भी काफी अच्छा है, मिड और हाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, काफी अच्छा साउंड आपको सुनने को मिलता है। और गाइस जो लाउडनेस है आप इसे 70-80% भी ले जाओगे तो इसका आवाज फटेगा नहीं, काफी अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखता है। और इतना ही नहीं, साउंड प्लस ऐप करके जबरा का खुद का अपना एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड करके यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और इवन मैंने इसे अपडेट भी किया तो काफी अच्छे तरीके से अपडेट हो गया है। और यहाँ पे कनेक्ट कर आप चाहो तो जिस तरह का आपको साउंड पसंद है, बेस लवर हो तो बेस कर सकते हो, मतलब EQ में जाकर सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको ट्रेबल वाले साउंड पसंद आते हैं वो आप कर सकते हो, आपको इंस्ट्रूमेंट साउंड ज़्यादा पसंद है तो वो वाला आप सेट कर सकते हो। इस तरह से आप साउंड को कस्टमाइज कर पाओगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इस वेबसाइट पे जैसा मेंशन किया गया है 21 घंटे का बैटरी लाइफ है, तो बैटरी लाइफ तो थोड़ा सा कम है अभी के हिसाब से, बट अगर आपको साउंड वाइज वगैरह देखना है, लेकिन यार वही बात है कि आपको पुराना खरीदोगे तो हो सकता है प्रोडक्ट आपके पास कुछ भी आ सकता है, तो आई डोंट थिंक कि आप वहाँ से बाई करो। नया आप जबरा का कुछ अच्छा खासा TWS बाई कर सकते हो, इसे साउंड काफ़ी अच्छा था इसलिए बता रहा हूँ। ओके गाइस अगला जो प्रोडक्ट है ये है, हमने ऑर्डर किया था जाते जाते FND का, राइट? और जाते जाते क्या मिला, जेब्रॉनिक्स का। सही पकड़े हैं। बॉक्स का तो ऑपरेशन ऑलरेडी हो रखा है, इतना गंदा क्वालिटी में क्या ही बताऊं, लेकिन अंदर प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो गाइस स्पीकर देख सकते हो, ये नया जैसा लग रहा है। अब नया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि डब्बा वगैरह भी नया होना चाहिए जब आप नया कुछ भी खरीदते हो तो, या ये सब प्रॉपर, यहाँ पे जो नॉब बटन है ये भी काम कर रहा है, और इसका जो केबल वगैरह है ये भी प्रॉपर, यहाँ पे कुछ भी कटा उटा नहीं है। इसका कंडीशन तो ख़राब नहीं है, लेकिन साउंड सुनकर देख लेते हैं, क्या पता साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी। तो गाइस इंजॉय करो थोड़ा सा म्यूजिक का। ओके तो गाइस यहाँ पे आपने साउंड सुन लिया है कैसा इसका साउंड है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका प्राइस है, नया का प्राइस भी 700 या 800 रहता है, इसका जो साउंड है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है, इसे आप अलग अलग करके स्प्लिट करके भी रख सकते हो, जब आप डेस्कटॉप पे काम करते हो तो उस समय आप इसे दोनों साइड करके मस्त अपना काम कर सकते हो, और जब आपको मूवी देखना है तो ऐसे अटैच करके एज अ साउंड बार भी आप यूज कर सकते हो, और मस्त चमकता धमकता यहाँ पे लाइट भी आपको देखने मिलता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है। इसके नोब से आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑन ऑफ और वॉल्यूम को रेज और डाउन भी कर सकते हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये काम करता है और बहुत मज़ा आता रहता है ऐसे ऐसे करने में, तो यार प्रॉपर काम कर रहा है। और सामने जो दो आप होल देख रहे हो यहाँ से आप आउटपुट वगैरह ले सकते हो, तो आई थिंक ये जो स्पीकर है काफ़ी अच्छा है, मतलब अब कंडीशन नया जैसा ही है, बट नया तो नया होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। कंक्लूजन पार्ट में तो आपको मैं सारा चीज़ बताने ही वाला हूँ, तो कंक्लूजन पार्ट जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके अब गाइस अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये गेमिंग ईयरफोन है, और एक बार आप इसके डब्बे का कंडीशन देखो, ऐसा लग रहा है ये मस्त धूल मिट्टी में मस्त लोटते पोटते आया हुआ है। चलो यहाँ से ईयरफोन निकालते हैं, अब अंदर किस तरह से है ये तो अब पता चलेगा। यार अंदर तो बड़ा क्लीन क्लीन सा लग रहा है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रैच तक नहीं है, और नहीं ये गंदा लग रहा है, ये मस्त नया जैसा ही लग रहा है। ओके ओ माय गॉड, इसका ड्राइवर तो देखो ऐसा लग रहा है हाथी का ये ईयरफोन है। ओ माय गॉड, काफ़ी बड़ा सा ड्राइवर है। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका माइक है, डिटैचेबल माइक है, इसे आप निकाल भी सकते हो और इसे आप अटैच भी कर सकते हो, जब आप गेम खेलोगे उस समय इस माइक का यूज आएगा। और इसके बाद और चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये 3.5mm जैक है, यहाँ का भी केबल टूटा हुआ नहीं है, प्रॉपर है, यहाँ पे पूरा नया ही है, कुछ भी यहाँ पे स्क्रैच डेंट वगैरह नहीं है। और इसके बाद ईयरफोन का जो बटन है ये भी काम कर रहा है, और यहाँ पर जो स्लाइडर है ये भी परफेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो चलो एक बार इसमें गेम खेल कर ही देख लेते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। ओके पहली बात तो इसका वेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है जैसे गेम खेल पाएंगे या नहीं आई डोंट नो। तो गाइस यहाँ पे जैसा मैं गेम खेल पा रहा हूँ, तो नॉर्मली जो आप ईयरफोन में गेम खेलते हो कुछ वैसा ही है, और जस्ट यहाँ पर क्या है इसका ड्राइवर साइज बड़ा कर दिया है, और इसका जो माइक है ये यहाँ पर आ गया है, और कुछ नहीं है। साउंड वगैरह भी मतलब 300-400 का जो ईयरफोन आता है ना कुछ वैसा ही है। अब बस यही बात है, इतना भारी भरकम आप ईयरफोन लगा कर तो गेम बिल्कुल नहीं खेल सकते हो, आई थिंक इससे अच्छा आप हेडफोन बाय कर लो यार। और नहीं हेडफोन तो नॉर्मल ईयरफोन आता है ना 200-250 का,
उससे लगा कर गेम खेलो। ये गेमिंग ईयरफोन का कोई काम नहीं है, ये तो हो गया यूज की बात। और यहाँ पर जो कंडीशन है, ये कंडीशन मुझे ख़राब नहीं लगा, इसका कंडीशन अच्छा है, लेकिन यार डब्बा का कंडीशन देखकर तो मन ही उतर गया मेरा। लास्ट है गाइस हमारे पास ये स्लीव। अब ये जो है इसमें आप 13.3 इंच हो गया, 14 इंच हो गया, ये सब लैपटॉप इसमें रख सकते हो, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर जीप वगैरह क्वालिटी तो या परफेक्ट काम कर रहा है। एक और जीप है, परफेक्ट है, यहाँ पे जीप का क्वालिटी भी अच्छा है। और कंडीशन देखोगे तो इसका कंडीशन भी ख़राब नहीं लग रहा है, नया जैसा ही लग रहा है ये भी। अब नया जैसा जैसा इसलिए बोल रहा हूँ यार कि क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ये मैं आपको कंक्लूजन वाले पार्ट में क्लियर करूँगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि नया बोल नहीं सकते और पुराना दिख नहीं रहा है। बैग में आपको दो स्टोरेज पार्ट दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप रखने के लिए, और ऊपर जो है यहाँ पे आप चार्जर हो गया ये सब रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप ही आप रख सकते हो इस बैग में, आप इसमें डॉक्यूमेंट हो गया, पेन पेंसिल वगैरह भी ऊपर रख सकते हो। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे का कि रियली बाजार से शॉपिंग का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है और मेरे पास किस तरह का कंडीशन में आया। ऐसे तो आपको पता ही है कंडीशन कैसा था। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब मैं वेबसाइट पे गया और प्रोडक्ट ढूंढना शुरू किया तो मुझे काफी कम प्राइस पे प्रोडक्ट दिख रहे थे, तो मैंने बाय कर लिया था, लेकिन वहां पे लिखा था कंडीशन न्यू। अब एक चीज समझ में नहीं आता है कि कंडीशन न्यू है तो फिर इस तरह कंडीशन में क्यों आया है, तो ये एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे खराब रहा है। लेट सपोज आप ये हेडफोन देखते हो अमेजोन पे 2000 के राउंड में मिल रहा है और यहीं पे ये हेडफोन आपको 1500 में मिल रहा है रियली बाजार के ऊपर, और आप जब कंडीशन चेक करने जाते हो तो वहां पर भी न्यू है, तो आप ये सोचोगे 1500 में क्यों ना मैं यहां से बाय कर लूं, और जब आपके पास आएगा तो मे बी प्रोडक्ट चेंज भी हो सकता है। अब ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब मेरे साथ तो हो गया यहाँ पे, अब आपके साथ क्या होगा आई डोंट नो। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके पास रिफर्बिश कंडीशन आएगा, ये चीज़ तो आप मान लो, क्योंकि मैं भी बहुत सारा YouTube वीडियो देखा हूँ और वहाँ पर भी थोड़ा सा डब्बा वगैरह इसी तरह से सभी लोग के आया हुआ है, तो मुझे लगता है कंडीशन कुछ ऐसा ही आता है। और प्रोडक्ट का जो कंडीशन होता है अंदर का, ये मच बेटर होता है डब्बे के कंडीशन से, ओके। और सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको रियली बाजार से शॉपिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो यार मेरा तो यहाँ मिक्स एक्सपीरियंस रहा है, अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाकर वहाँ से बाय करो। एक चीज़ मैं ब्रांड को बोलना चाहूँगा, जो रियली बाजार के अगर ऑनर देख रहे हैं या उनके कोई स्टाफ देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो आपने न्यू लिखा है उसे आप जिस भी तरह से चाहे उस तरह से लिख सकते हैं, रिफर्बिश्ड या ओल्ड या कितने महीना ओल्ड है कुछ भी आप मेंशन कर दो, ताकि एक क्लियर आइडिया लगे, जब कोई भी लोग उसे बाय करे तो उन्हें पता होना चाहिए उनके पास किस तरह कंडीशन आने वाले हैं, ओके। तो फाइनली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मानो कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन्वेंशन डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। आपसे मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे।